दोस्तों, क्या आपको भी यही लगता है कि आत्मा का वजन 21 ग्राम ही होता है? और क्या सच में इंसानों के मरने के बाद उनके शरीर से 21 ग्राम जितना वजन कम हो जाता है? आखिर एग्जैक्टली 21.3 ग्राम ही क्यों? जानना चाहेंगे कहां से आया ये फिगर और क्या हमें इस फिगर पर आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए? क्या इस फिगर से हमें जरा सी भी गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं करनी चाहिए? जानेंगे कब, किसने और किस तरह से किया गया था ये आत्मा के 21 ग्राम वजन वाले एक्सपेरिमेंट को। साथ ही ये भी जानेंगे कि किस तरह कुत्ते, बकरी और चूहों की आत्माओं पर भी किया गया था ये सेम एक्सपेरिमेंट और क्या थे उसके चौंका देने वाले परिणाम। क्या इंसानों की आत्माओं का वजन इन जानवरों की आत्माओं के वजन से ज्यादा भारी था? जानेंगे इन सारे एक्सपेरिमेंट से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, सच्चाई और स्पेक्यूलेशन के बारे में थोड़ा और बारीकी से। बने रहिए वीडियो के एंड तक। लेकिन उससे पहले, अगर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब पर ये लाल वाला बटन अभी प्रेस करें और मोटिवेशन के लिए एक लाइक जरूर। तो आत्मा, रूह, स्पिरिट या सोल, चाहे जो भी नाम ले लो, लेकिन कहीं न कहीं हर धर्म में इसके अस्तित्व को माना जरूर गया है। कहीं इसे हवा की तरह हल्का, तो कहीं इसे पंख की तरह नाजुक, और किसी धर्म में तो इसे इंसानों के कर्मों के मापदंड के अनुसार उनकी आत्मा के वजन को निर्धारित करने की बातें कही गई है। खैर दोस्तों, हर इंसान में कुछ कुछ जानने की जिज्ञासा हमेशा से होती है, और ऐसे ही एक इंसान थे जिनका नाम था डॉक्टर डंकन मैकडोगल, जो कि 1866 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में पैदा हुए। 20 साल की उम्र में यूएस के हेवर हिल्स के मुसाचुसेट में शिफ्ट हुए और बोस्टन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन से अपनी डॉक्टर की पढ़ाई कंप्लीट की और वहीं हेवर हिल्स में उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। दोस्तों, 11 मार्च 1907 द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक आर्टिकल की वजह से उन्हें दुनिया भर में पहचान मिली और साथ ही काफी सारी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। कारण था उनके और उनके साथियों के द्वारा किया गया इंसानों पर एक बेहद ही अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट, जिसकी चर्चा उन्होंने द जनरल ऑफ अमेरिकन सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च में भी की थी, और जहां पर उन्होंने दावा किया था कि इंसानों के मरने के बाद उनके शरीर से आत्मा अलग हो जाती है और उस आत्मा का भी एक निर्धारित निश्चित स्पेसिफिक वजन होता है, जो कि 21.3 ग्राम होता है। तो दोस्तों, कैसे किया गया था ये एक्सपेरिमेंट, आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर डंकन मैकडोगल और उनके चार साथियों ने मिलकर 6 ऐसे पेशेंट्स का चयन किया जिनकी मौत किसी न किसी बीमारी या किसी न किसी कारण की वजह से निश्चित थी, और उसमें से भी 5 पुरुष और 1 महिला को चुना गया। और उसमें से भी दोस्तों 4 पेशेंट्स ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी की बीमारी से जूझ रहे थे, 1 डायबिटिक और 1 की बीमारी का पता भी नहीं था। और दोस्तों, उनकी आत्माओं का वजन करने के लिए 1830 में चाइना में बने एक स्पेशल फेयर बैंक के तराजू को इस तरह से डिजाइन किया गया जो 28 ग्राम से भी बारीक वजन को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ तौल सकता था। उन्होंने एक डॉक्टर की स्पेशल टीम भी तैयार की जो उन पेशेंट्स के मरने से पहले, मरने के दौरान और मरने के बाद उनके शरीर में खून, पानी, पसीने, मलमूत्र और नाइट्रोजन की वजह से हो रहे छोटे से छोटे चेंजेस को नोट करते थे। और दोस्तों, फिर एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ और दोस्तों पहले पेशेंट की डेथ उस तराजू पर शिफ्ट होने के एग्जैक्टली 3 घंटे 40 मिनट के बाद हुई, और जैसा कि डॉक्टर ने दावा किया था, उसके मरने के बाद उसके शरीर से एग्जैक्टली 21.3 ग्राम जितना वजन कम हुआ। दूसरे पेशेंट की डेथ उस तराजू पर शिफ्ट होने के 4 घंटे और 15 मिनट के बाद हुई, लेकिन दोस्तों इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। 1 मिनट के बाद उसके वजन में 0.5 अंश जितना कमी आई, जो कि पहली रीडिंग से काफी डिफरेंस था। और ऐसे में डॉक्टर डंकन मैकडोगल का ये कहना था कि उसकी आत्मा हो सकता है शायद 1 मिनट के लिए उनके कफ में अटक गई थी और उसके बाद वो वहां से रिलीज हुई होगी। दोस्तों, तीसरे और पांचवें पेशेंट में पहले वजन बढ़ा, फिर घटा और फिर बढ़ गया, जबकि चौथे और छठे पेशेंट की रीडिंग को इस एक्सपेरिमेंट में शामिल ही नहीं किया गया, क्योंकि डॉक्टरों का ये मानना था कि उन पेशेंट्स को उस तराजू पर शिफ्ट होने तक काफी देर हो चुकी थी, उन्हें उस तराजू को कैलिबर करने का मौका ही नहीं मिल पाया। तो डॉक्टर डंकन मैकडोगल ने अपने एक्सपेरिमेंट को साबित करने के लिए इंसानों पर ही नहीं 15 कुत्तों पर भी सेम एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 15 कुत्तों को जहर के साथ में एक ऐसी दवा भी इंजेक्ट करवाई कि जिसकी वजह से वो अपने अंतिम क्षणों पर शांति से मर सके, छटपटाहट या हिलन डुलन न कर सके, ताकि उनके रीडिंग को एक्यूरेसी से नोट किया जा सके। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो तब हुई जब 15 कुत्तों के मरने के बाद भी उस वजन कांटे की रीडिंग 0 पर ही अटके रहे। ऐसे में डॉक्टर डंकन मैकडोगल ने यह कहा कि शायद
कुत्तों में आत्माएं होती ही नहीं है और इसीलिए शायद उन सभी कुत्तों की रीडिंग जीरो आई थी। 1917 में लॉस एंजलिस के फिजिक्स टीचर एच लाओ ट्विन ने चूहों पर भी सेम एक्सपेरिमेंट किया था और उनकी रीडिंग जीरो की जीरो थी। और फिर 2001 में लेविस ई हॉलेंडर जूनियर ने 13 बकरियों पर भी सेम एक्सपेरिमेंट किया था और इत्तेफाक की बात ये थी दोस्तों, बकरियों के मरने की भी रीडिंग जीरो ही आई। तो दोस्तों इंसानों और जानवरों की आत्माओं के वजन को लेकर ये थे कुछ फेमस एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहली बात तो डॉक्टर डंकन मैकडोगल इन सारे पेशेंट्स के डेथ की एग्जैक्ट टाइमिंग बताने में फेल हुए। दूसरी बात, इनके द्वारा किए गए इतने बड़े दावे को साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंट के बेस पर सिर्फ और सिर्फ 4 पेशेंट को कंसीडर किया गया, जो कि किसी भी इतने बड़े एक्सपेरिमेंट के दावे को साबित करने के लिए एक बहुत ही छोटी संख्या गिनी जाती है। तीसरी बात दोस्तों, उन 4 पेशेंट्स की रीडिंग एग्जैक्टली सेम नहीं था। फिजिशियन अगस्त पी क्लार्क ने एक आर्ग्यूमेंट किया जिसमें उन्होंने ये बताया था कि इंसानों के मरने के तुरंत बाद उनके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है क्योंकि उनके लंग्स काम करना बंद कर देते हैं, जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम का कूलिंग सिस्टम होता है, और इसी के कारण हमारे शरीर से पसीना निकलता है और उसके वाष्पीकरण के कारण हमारे शरीर से वजन कम हो जाता है, और ये वजन वही एग्जैक्टली 21.3 ग्राम हो सकता है। जबकि कुत्तों के केस में वे अपने शरीर को ठंडा करने के लिए हांफने की प्रक्रिया को अपनाते हैं, उनके अंदर स्वीट ग्लैंड यानी पसीने की थैली नहीं होती है और इसीलिए कुत्तों को कभी पसीना नहीं होता है, और इसीलिए उनके मरने के बाद में न ही उनका शरीर ठंडा होता है और न ही उनके वजन में कोई भी डिफरेंस आता है। दोस्तों तर्क तो ये भी है कि जिस तरह टीवी या मोबाइल जब तक बैटरी या इलेक्ट्रिसिटी रहती है वो चलती है, लेकिन बैटरी या इलेक्ट्रिसिटी न होने के समय पर मोबाइल या टीवी डेड हो जाते हैं लेकिन उनका वजन नहीं कम होता है। तो दोस्तों आप लोगों से नम्र निवेदन ये है कि जो लोग भी कहते हैं कि आत्मा का वजन 21.3 ग्राम है, कृपया बंद करें, क्योंकि खुद रिसर्चर डॉक्टर डंकन मैकडोगल जब अपने स्टेटमेंट से अस्वस्थ नहीं थे तो हम कौन होते हैं उनकी स्टेटमेंट पर मुहर लगाने वाले, क्योंकि डॉक्टर डंकन मैकडोगल ने ये कहा था कि ये अभी प्रारंभिक दौर पर है और अनफॉर्चुनेटली 1920 में उनकी डेथ हो गई। तो दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो एक लाइक